क्यों पहनते हैं इसे? बाल ना गिरे। बाल ना गिरे कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया बताए? हाँ, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यह सेफ कैप है, सेफ कैप मोस्टली आप लोग देखोगे सेफ का सर में रहता है। 1700 सदी 1700 सेंचुरी में राजा थे यूरोप के, मुस्लिम राजा थे, उन्होंने उनका खाना बनाने के लिए लोग रहा करता था, क्या लोग रहा करता था, तब से ये सेफ कप चलते आ रहा। उनका खाने में एक बाल मिला, वो एक ऐसा प्रकार का आदमी थे, घमंड अपने आप में, क्या घमंड, उसने बोल दिया खत्म हो गया, इस टाइप का लोग थे। तो राजा ने, राजा का खाने में बाल मिला, बाल मिलते ही उन्होंने सीधा जिसने खाना बनाया उसका सर काट दिया। उसके दूसरे दिन के बाद ये चीज हमारे सर पे ताज बन गया। आज हमारा सर का ये ताज बन गया, हम टोपी पहनते हैं, बहुत प्रकार की टोपी होती है, अलग अलग नाम बहुत कैटेगरी में है, ये नाम ज्यादातर सेफ लोगों का अलग टाइप का होता है, ठीक है। ये नेट्स बोलते हैं इसको, ये सेफ कैप है, ये भी सेफ कैप है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं अपने अपने तरीके से, जिस कंट्री में जो अवेलेबल है उस तरह से यूज करते हैं। और कभी कभी अगर सोशल मीडिया से आप लोगों को कोई बड़े सेफ मिलते हैं कि आप नहीं पहने हैं, ग्लोव नहीं पहने हैं, तो आप गंदा उनको कमेंट ना करो, क्यों, वो 100% सैनिटाइज होके वो काम कर रहे हैं। टीवी में देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारा सेफ बिना कैप में काम कर रहे हैं, बिना हैंड ग्लोव में काम कर रहे हैं, वो 100% सैनिटाइज है, ऑथोराइज पर्सन है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। समझ में आ गया ये क्या है, सेफ कैप है। कब शुरू हुआ? 1700 शताब्दी, ठीक है। किसने किया ये शुरू? एक घमंड राजा थे यूरोप साइड में, समथिंग मुस्लिम टाइप का, ठीक है। उनका खाने में बाल आया, उन्होंने अपना खाना बनाने वाला का सर काट दिया, दूसरे दिन से डर के मारे सब लोग टोपी पहनना शुरू कर दिया। हमारे गांव में भी माँ बेटी लोग सर में कपड़ा बांध के करते हैं, वो उस टाइम का डर था, इसके लिए वो पहना गया, आज हमारा ये ताज बन गया। और क्लियर क्या ये सेफ कैप है? एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।